वीडियो में मैंने आप सभी से पूछा था कि ये कितना बार आउटपुट करा, तो किसी ने भी राइट आंसर नहीं दिया। तो मैं आपको इसकी वोल्टेज टेस्टिंग दिखाने वालों के कितना बार आउटपुट करता है, जो कि हमारे मैंने फिल्टर कैपेसिटी लगा के जो कि आप पावर सप्लाई एक बनाई थी, किसी ने डायग्राम सर्किट में दे दूंगा इसका। तो चलिए इसका मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये कितना वाट आउटपुट करता है। हमने ये ले लिया मल्टीमीटर, जो हमने ले लिया है बोर्ड, तो चलो इसको हम करते प्लग इन। तो प्लग इन हम कर दिया, उस पावर को करते इसकी हम ऑन, पावर इसी में आ गई है। तो चलिए इसको हम डीसी वोल्ट पे सेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ग्राउंड है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो चलिए प्लस, पहले हम प्लस वोल्टेज मेजर करते हैं, इस पे प्लस वोल्टेज हमारी कितनी आ रही है। तो देखिए प्लस वोल्टेज हमारी 24 वोल्ट आ रही है। वही मैं माइनस की बात करूं तो आप देखिए सेम वही है, और मैं प्लस माइनस की अगर बात करूं तो आप देख ही सकते हो, देखिए प्लस माइनस लगभग हमारी 49 वोल्टेज आ रही है। वहीं अगर मैं इसकी एसी इनपुट की बात करूं इस ट्रांसफार्मर की, तो देखिए ये कितना हमारा आउटपुट कर रहा है। ये लगाया हमारा, एक यहाँ पे लगाते हैं और एक हम यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए जो कि 12, जो कि सॉरी प्लस प्लस पे लगाया, जो ट्रांसफार्मर की इनपुट होती है उसमें 33 वोल्ट जो कि आउटपुट कर रहा है। वहीं अगर इसकी मैं 0 पे यहाँ पे मैं रखता हूँ, जो कि आप जानते हो कॉमन होती है ग्राउंड, तो एक तरफ से हमारा 16 वोल्ट ये आउटपुट कर रहा है। तो देख सकते हैं हमारा कितना ज़्यादा हैवी पावर सप्लाई। अगर मैं स्पार्क इसको एक बार दिखाऊंगा आपको, कितना तगड़ा स्पार्क हो रहा है। देखिए अगर मैं प्लस माइनस को स्पार्क करूं, देखिए काफी हैवी स्पार्क है। देखिए तो ऐसे अगर आप भी पावर सप्लाई बनाना चाहते हैं, तो मैं इसका जो है डायग्राम सर्किट आपको मैं दे दूंगा, जो कि आप उससे बना सकते हैं। शायद आपको स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा इसका डायग्राम सर्किट, तो आप जाके सेम बना सकते हैं। अगर इसको आप मेरी तरफ से जो कि मैं कैसे कैसे मैं इसको बनाया और वो वीडियो चाहती है, तो आप कमेंट करिए, मैं वो वीडियो आपको बहुत जल्दी ही डाल दूंगा आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।